वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी है। भारत में मुसलमानों की वक्फ संपत्ति निजी संपत्ति है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति है। मोदी सरकार यह सब खत्म करना चाहती है। इस बिल के जरिए अकेले हिंदू मुस्लिम भी मोदी सरकार को खत्म करना चाहते हैं। सभी को इसका विरोध करना चाहिए और सरकार तक अपना विरोध पहुँचाना चाहिए। देश में 14 न्यायाधिकरण है जहाँ उनके फैसले अंतिम होते हैं, लेकिन हमारे मामले में यह मानने को तैयार नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ वापस लेना चाहता है, यदि उसे कागज नहीं मिलता है तो वह इस संपत्ति को मुस्लिम से लेना चाहता है। कलेक्टर को इतना अधिकार देता है कि उसके जांच शुरू कर दी है कि शुल्क संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। पीएम मोदी इस प्रॉपर्टी को मुसलमानों से छीनना चाह रहे हैं, ऐसा आरोप AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने लगाया। इस बिल के खिलाफ गुस्सा है क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है, ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है और ये जो बिल लाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता, सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीजें मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया।